नमस्कार, स्वास्थ्य हत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सभी को अपने अपने काम में हम व्यस्त रहते हैं, किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपनी सेहत के बारे में सोच सके। ऐसे में लोग बीमार पड़ने लगते हैं। आप ये कहें कि बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बना लेती हैं, जिसकी वजह से हम अपने अंदर कोई ऊर्जा महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज हम आपको हमारे खास प्रोग्राम स्वास्थ्य सेहत में कैंसर की जानकारी देने जा रहे हैं, जो एक लगातार गंभीर बीमारी बनती जा रही है। कैंसर कैसी खतरनाक बीमारी है, जिससे शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं। कैंसर शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में फैलता है। सबसे पहले शरीर के किसी एक हिस्से में होने वाले कैंसर को प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं, जिसके बाद शरीर के दूसरे हिस्सों में होने वाला ट्यूमर मेटास्टेटिक या फिर सेकेंडरी कैंसर कहलाता है। तो कैंसर की जानकारी देने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुनील कौशिक, जो एक MSMCH हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम स्वराज सेहत में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कैंसर क्या है, जिसकी वजह से लोग इतना घबराते हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो कैंसर की जानकारी हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम स्वराज सेहत में दे रहे हैं। लगता है तकनीकी खराबी के चलते डॉक्टर साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। तो कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, जो शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित इसके चलते होने लगती हैं। कैंसर शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में फैलता है। सबसे पहले शरीर के किसी एक हिस्से में होने वाले कैंसर को प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं, जिसके बाद शरीर के दूसरे हिस्सों में होने वाला ट्यूमर मेटास्टेटिक या फिर सेकेंडरी कैंसर कहलाता है। तो कैंसर की जानकारी अपने इस खास प्रोग्राम स्वराज सेहत में आज हम आपको देंगे। दर्शकों को इस चीज से रूबरू कराएंगे कि आखिरकार क्या है कैंसर, क्या है इसके लक्षण और कैसे इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सकता है। तो हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुनील कौशिक। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कैंसर के शुरुआती जो लक्षण है उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। धूम्रपान फैलने से मुंह, गले, फेफड़े, पेट और मूत्राशय का कैंसर होता है। तो वहीं तंबाकू, पान, सुपारी, पान मसाला और गुटखा खाने से भी ये मुंह का कैंसर होता है। तो कैंसर के संभावित लक्षण है ये मुंह, जीभ, खाने की नली, पेट, गले, गुर्दे का, पैनक्रियाज का भी कैंसर इससे होता है। फिर आपके सेवन से श्वास नली, भोजन नली और तालू का कैंसर होता है। धीमी आंच और धुएं में पके भोजन और ज्यादा नमक लगाकर संरक्षित भोजन खाने से भी कैंसर होता है। तला और कम प्राकृतिक रेशों वाला भोजन खाने से भी बड़ी आंतों का कैंसर होता है। कुछ रसायन और दवाइयों से पेट, लीवर का कैंसर होता है। वहीं कम उम्र में यौन संबंध और कई लोगों से यौन संबंध के चलते बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। धूम्रपान करने से मुंह, गले, फेफड़े, पेट और मूत्राशय का कैंसर होता है। तो कैंसर की तमाम सारी जानकारी हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम स्वराज सेहत में आज देंगे। कैंसर क्या है इसके लक्षण, क्या है बचाव के उपाय, कितने प्रकार का कैंसर होता है,
विश्व में कुल 2 करोड़ लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं। हर साल 90 लाख लोगों को कैंसर की आशंका हमेशा बनी रहती है। एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं रायपुर स्टूडियो से। डॉक्टर साहब, उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज आ रही होगी। हाँ, I'm audible है, सुनाई दे रहा है अभी। जी जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। कैंसर क्या है और लोग इससे इतना क्यों डरते हैं? हेलो डॉक्टर साहब, कैंसर क्या है और लोग इससे इतना क्यों डरते हैं? हाँ, कैंसर रोगों के ये हिस्सा है जिनमें हमारे सेल्स, बॉडी में सेल्स जो रहते हैं जी, वो अनियंत्रित वृद्धि हो जाते हैं और उसकी वजह से एक ट्यूमर जैसा गांठ बन जाता है। ये गांठ जो दो तरह के रहते हैं, एक बिनाइन रहता है, एक मैलिग्नेंट रहता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम कैंसर बोलते हैं। इसका ये विशेष गुण होता है कि ये जहाँ से वृद्धि होता है जी, उससे बॉडी में दूसरे अंगों में भी फैलने का क्षमता रहता है। उसकी वजह से जान को खतरा हो जाता है और इसको हम कैंसर कहलाते हैं। ये कैंसर हमारे बॉडी में किसी भी जगह पे आ सकता है, तो उसके जहाँ से आता है ना, उसकी वजह से उसका नाम बन जाता है। डॉक्टर साहब, ज्यादातर देखा जाए तो भारत में कितने प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं, कितने तरह के कैंसर लोगों को होते हैं? हाँ, भारत देश में एक्चुअली कैंसर का इंसिडेंस जो है वो अभी बढ़ रहा है जी। वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करें तो हमारे देश में हेड एंड नेक कैंसर को बोलते हैं, मुख का कैंसर को छोड़ के बाकी सबके कैंसर जो कम प्रतिशत में है, अभी सबका इंसिडेंस अभी हमारे देश में भी बढ़ रहा है। हमारे भारत देश में ज्यादा से ज्यादा हेड एंड नेक का कैंसर जो बहुत ज्यादा है, मुंह में कैंसर जो रहते हैं, छाले हो जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, वो चमड़े को आ जाता है, तो ये सब बीमारियां हमारे देश में बहुत ज्यादा है। ये पूरे मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में मिला के हमारे देश में मुंह का कैंसर बहुत ज्यादा है। अगर हम फीमेल्स को देखे हैं तो सर्विक्स का कैंसर, बोले तो गर्भाशय का कैंसर और ब्रेस्ट का कैंसर जो है वो बहुत ज्यादा है जी। मुंह का कैंसर आप बता रहे हैं, ज्यादातर मुंह का कैंसर ऐसा माना जाता है कि जो लोग तंबाकू खाते हैं, पान मसाले का सेवन करते हैं, उस वजह से होता है, और इसके शुरुआती लक्षण भी क्या है? हाँ, वो 100% करेक्ट है। ये मुंह का कैंसर जो है वो तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू खाने के, पान गुटखा खाते हैं ना, उनमें ज्यादा आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। 90-95% का पेशेंट्स में ना वो तंबाकू का आदत होता है जिनमें मुंह का कैंसर आ जाता है। ये इसमें मुंह का कैंसर का ये लक्षण होता है कि ये मुंह में ना दांत की जगह या चमड़े में छाले बन जाते हैं, वो सूखते नहीं है, वो ऐसा बढ़ जाता है। पहले दर्द नहीं होता है, जब वो बढ़ जाता है तब दर्द हो जाता है, खाने में तकलीफ हो जाता है, पेशेंट को मुंह में बदबू आ जाता है। जब वो मुंह से अंदर से चमड़े पे आ जाता है तो चमड़े के ऊपर भी छाले बन जाते हैं और ये मुंह से शुरू होके गले में भी आ जाते हैं। सो ये लक्षण हो जाते हैं अगर किसी भी लोग है ना जो तंबाकू खाते हैं, उनके मुंह में जो छाले आ जाते हैं जो सूखते नहीं है, तो तुरंत डॉक्टर के पास आके जांच कराना चाहिए क्योंकि वो कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सतना से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, रोहित हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। रोहित, आप सवाल कीजिए। सर नमस्कार, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल था, जैसा कि उन्होंने बताया कि तंबाकू से मुंह में छाले हो जाते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उन लोगों को अक्सर देखा कि वो ज्यादा तीखा खाना नहीं खा सकते, उनको बेहद मिर्ची लगती है, अगर नॉर्मल मिर्च भी है तो क्या सिगरेट पीने से तीखा ज्यादा लगता है? हाँ, ये आप सिम्टम्स जो बता रहे हैं वो सब्योकोस फाइब्रोसिस का एक लक्षण है। ये बीटल नट या पान गुटखा जो खाते हैं ना, वो एरिका नट और वो बीटल लीफ की वजह से, उनके एरिकोलिन जो केमिकल रहता है उसकी वजह से सब्योकोस फाइब्रोसिस हो जाता है। सो उसकी वजह से फीका ज़्यादा लगता है, तो बर्निंग सेंसेशन वो ज़्यादा हो जाता है ये पेशेंट्स में, तो उसको हम सब्योकस फाइब्रोसिस कहते हैं। उसको
इसकी वजह से ना कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लोगों में, इसका 3 to 4 fold रिस्क ज्यादा हो जाता है नॉर्मल पेशेंट से कंपेयर करें तो। डॉक्टर साहब, अगर कोई लंबे समय से तंबाकू का सेवन कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है, तो ये मान लिया जाए कि एक वक्त के बाद उसे कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ सकता है? तो ये अक्सर लोगों में डर बना रहता है कि वो तंबाकू खा हाँ, रहे हैं तो उससे उसे तो कैंसर हो सकता है। आजकल तो विज्ञापन भी आने लगे हैं तंबाकू से कैंसर होता है। हाँ, तंबाकू इन एनी फॉर्म बोले तो टोबैको जो है वो किसी भी तरह, या तो पान गुटखा खाने की वजह से, या सिर्फ तंबाकू खाने से, सिगरेट बीड़ी की वजह से, जिस किस प्रकार से इतना इस्तेमाल करे तो भी रिस्क बढ़ जाता है। मुंह का कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, लंग कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, पेट में कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर, बहुत सारे कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ जाता है इसका मतलब नहीं है कि 100% पेशेंट्स को आ जाता है, बट रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है नॉर्मल जो इस्तेमाल नहीं करते हैं उनसे कंपेयर करें तो। रिस्क 15 folds to 16 folds, मतलब बोले तो 15 से 20 गुना ज्यादा हो जाता है रिस्क। अगर कोई ज्यादा मदिरा पान करता है डॉक्टर साहब, तो क्या उसे भी कैंसर हो सकता है? ये पहला रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर जो है वो टोबैको है, तंबाकू है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है वो अल्कोहल है। जी ये मुंह का कैंसर या लंग का कैंसर या पैंक्रियास, यूरिनरी ब्लैडर, जिससे भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है टोबैको की वजह से, वो अल्कोहल लेने की वजह, शराब लेने की वजह से उसका रिस्क जो है वो और भी बढ़ जाता है। अगर कोई एक पेशेंट दोनों खाता है, तंबाकू पीता है, तंबाकू खाते हैं और अल्कोहल पीता है, तो उसका रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। अक्सर तंबाकू खाने वालों को मुंह का कैंसर हो और जाता है, हम तो मुंह का अल्कोहल कैंसर लिए है तो। एक, जी बताइए डॉक्टर साहब, अगर अक्सर तंबाकू खाने वाले को मुंह का कैंसर हो जाता है, तो मुंह का कैंसर कितना खतरनाक होता है और इससे कैसे बचे अगर कोई, अगर किसी को मुंह का कैंसर हो गया तो? हाँ, कोई भी कैंसर जो भी है वो हमने अर्ली स्टेज में पकड़ा है जी, तो उसका इलाज करना अच्छा हो आसान हो जाता है और उससे विमुक्ति होना आसान हो जाता है। ये एक्चुअली मुंह का कैंसर जो भी है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट को पहले ही पता हो जाता है कि उनका रिस्क बहुत कैसा हो गया है। जी अगर तंबाकू खाने वाले लोग हैं ना, वो एक बार डॉक्टर के पास जाके जांच करा लिया है, तो वो ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया जैसा कैंसर से पहले स्टेजेस होते हैं वो हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका इलाज हम कर सकते हैं। अगर मुंह में जो एक छाला हो जाता है बिना दर्द का, एक छाला हो जाता है, एक गांठ हो जाता है, उसको तुरंत जाके डॉक्टर से चेकअप करवाना है। मुंह में छाले जो भी होते हैं वो सब कैंसर्स नहीं होते हैं, मगर कैंसर का होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा रिस्क रहता है, जी, तो एक बार जांच कराना, उसका डायग्नोसिस कराना, उसका ट्रीट दिल्ली से कराना दर्शक है नीरज, आपसे इम्पोर्टेंट हो सवाल करना जाता है। चाहते हैं। नीरज, आप सवाल किस कर सकते हैं? हेलो जी नीरज, आप सवाल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हेलो। हैं। हाँ सर, मेरा क्वेरी है कि मैं मेरे वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, वो थर्ड थर्ड स्टेज ओवेरियन कैंसर है। हेलो जी, क्या कैंसर है सर? गुड आफ्टरनून, मैं नीरज। कौन सा कैंसर है सर? ओवेरियन कैंसर है, थर्ड स्टेज ओवेरियन कैंसर सर। ओवेरियन, ठीक। हाँ तो सर, उनको बताइए। अभी एक्चुअली वो काफी स्पेस लेकर रहती है सर, ओवेरियन कैंसर है सर, थर्ड स्टेज ओवेरियन कैंसर है सर। हाँ, अभी उनका ओवेरियन, यस सर। हाँ, ओवेरियन कैंसर जो है वो आप बोल रहे हैं कि वो तीसरा स्टेज में है। अभी थ्री हाँ, तो ये साइड एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर हो जाता है। हम ये स्टेज में पेशेंट को सीटी स्कैनिंग कराते हैं, तो सीटी स्कैनिंग हम देखेंगे, अगर सीटी स्कैनिंग के हिसाब से पेशेंट को ऑपरेशन कर सकते हैं तो हम ऑपरेशन करके बाद में कीमोथेरेपी का इंजेक्शन देंगे, 6 से 8 साइकिल कीमो इंजेक्शन देंगे। अगर हमको सीटी स्कैनिंग देखने से लगता है कि पेशेंट को ऑपरेशन करके कैंसर से विमुक्ति करना मुश्किल है ये स्टेज में, तो हम पेशेंट्स को पहले कीमोथेरेपी देंगे 3-4 साइकिल, बाद में एक सीटी स्कैनिंग करेंगे, फिर देखेंगे कि ऑपरेशन करके पूरा कैंसर से विमुक्ति कर सकते हैं तो बाद में कैंसर का सर्जरी करेंगे,
सर्जरी होने के बाद फिर से कीमोथेरेपी देंगे, तो ऐसा इलाज होता है। तो आप आपका डॉक्टर से, कैंसर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए, पूरा टेस्ट करके जांच करके देखना पड़ेगा कि वो कैंसर कौन सा स्टेज पे है, कितना है, ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं, वो पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद में हम इलाज का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो बना सकते हैं। मुझे लगता है कि रोहित को उनका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, शरीर के किन किन हिस्सों में कैंसर की संभावना ज्यादातर होती है? हाँ, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे देश में मुंह का कैंसर बहुत ज्यादा है जी, वो ऑलमोस्ट 40% का हमारे देश में कैंसर जो होते हैं, 40-50% वो ओरल कैंसर होते हैं जी, और ये पूरा मेल और फीमेल को मिला के। देवेंद्र जी हमने देखा है कि मर्द लोगों में देखा है तो मुंह का कैंसर के बाद लंग कैंसर जी। डॉक्टर साहब आपको देवेंद्र जोशी, लंग कैंसर बहुत ज्यादा है अगर फीमेल्स में। देवेंद्र जोशी है हाँ। बैतूल से दर्शक आपसे सवाल करना चाहते हैं। देवेंद्र जी सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, शराब पीने वालों रेगुलर यदि कोई शराब पीता है 10-15 सालों से, तो क्या उसको कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक है क्या? हाँ, ये अच्छी सवाल है। शराब पीने से क्या हो जाता है, पहले कि लीवर का खराब हो जाता है, जब लिवर खराब हो जाता है तो कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। और जब लो डोज में लेते हैं, लाइक वंस इन अ वाइल, हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार थोड़ा एक पैक ऐसा कुछ जो लेते हैं, उसको ज्यादा रिस्क ज्यादा नहीं बढ़ता है, मगर शराब के साथ साथ टोबैको भी यूज करते हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, कैंसर के अनुवांशिक भी होता है क्या? सॉरी, आई डिडंट गेट यू। कैंसर क्या आनुवांशिक भी होता है? आनुवांशिक 90-95% जो कैंसर्स हम रेगुलरली देखते हैं वो आनुवांशिक नहीं होते हैं, वो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, खाने पीने की वजह से और ये टोबैको अल्कोहल की आदत की वजह से हो जाते हैं। सिर्फ 5-10% का कैंसर अनुवांशिक होते हैं। सिंड्रोम्स है लाइक हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर सिंड्रोम या पॉलीपोसिस सिंड्रोम, ये जो सिंड्रोम्स जो है वो उसकी वजह से अनुवांशिक होता है, वो 5-10% ऑफ द कैंसर ही अनुवांशिक होते हैं। महिलाओं में भी कई प्रकार के कैंसर होते हैं, कौन कौन से प्रकार के कैंसर होते हैं जो महिलाओं में ज्यादातर पाए जाते हैं? हाँ, हमारे देश में महिलाओं में सर्विक्स कैंसर जो है वो गर्भाशय के मुखद्वार में हो जाता है जी। वो ज्यादा है, अभी उसका रिस्क थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि हम HPV वैक्सीन जो दिला रहे हैं उसके वजह से वो रिस्क थोड़ा कम हो रहा है। और उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर है, वो अभी आगे बढ़ गया है, ब्रेस्ट कैंसर अभी ज्यादा हो गया है हमारे देश में। और उसके बाद हमारा मुंह का कैंसर भी है और स्टमक और इसोफेजियल कैंसर महिलाओं में ज्यादा हम देख रहे हैं। अक्सर ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाएं ज्यादा देखने में आती हैं, तो क्या कारण है ब्रेस्ट कैंसर होने के, क्या शुरुआती लक्षण होते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है? हाँ, ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जी। टोबैको और अल्कोहल भी एक रिस्क फैक्टर के, मगर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स जो है ये हार्मोनल का रिस्क फैक्टर्स ज्यादा है ये ब्रेस्ट कैंसर में। अगर पेशेंट का मेनार्की अर्ली हो गया है और मेनोपॉज लेट हो गया है और जब बच्चा कम होते हैं ना, पेशेंट को ब्रेस्ट फीडिंग कम देते हैं या फिर हार्मोनल प्रॉब्लम्स है पेशेंट को, तो इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा हो जाता है। अगर पेशेंट के फैमिली में उनके मदर साइड या फादर साइड किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस और बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल जो खान पान है वो उचित नहीं है, कई तरह के केमिकल हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खाने के रूप में खाते हैं पीते हैं, तो क्या इससे भी कैंसर हो सकता है, ये भी एक कैंसर का कारण बन सकते हैं? हाँ, ये एक्चुअली प्रूवन नहीं है, हमने कुछ स्टडी ऐसा करके एक हमारे खाने की वजह से ये बीमारियां हो रहे हैं बोल के हम ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि केमिकल्स की वजह से हैं, मगर जब हम
ज्यादा फैट डाइट खाते हैं या फिर स्टेल फूड खाते हैं, जो प्रिजर्व्ड फूड रहता है वो खाते हैं, स्मोक्ड फूड खाते हैं या फिर रेड मीट खाते हैं, सो इसकी वजह से ही ना कैंसर का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। हम स्टेल फूड खाने की वजह से या स्मोक्ड फूड खाने की वजह से स्टमक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर बढ़ जाता है, रेड मीट खाने की वजह से, फैट डाइट खाने की वजह से कोलन कैंसर बढ़ जाता है और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। हमारे कैंसर की कैंसर इंसिडेंस जो है वो बढ़ने में, जी जी, कैंसर का रिस्क बढ़ने में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा ही है जी। ज्यादातर कैंसर का पता जब पता चलता है जब लास्ट स्टेज में कैंसर पहुंच जाता है, तो जब लास्ट स्टेज में कैंसर पहुंच जाता है तो डॉक्टर्स भी कई बार हाथ खड़ा कर देते हैं। हमारे देश में कंपेयर टू द वेस्ट, अमेरिका वैसे देशों में कंपेयर करने से हमारे देश में थोड़ा एडवांस स्टेज में प्रेजेंटेशन थोड़ा ज्यादा है। रुकना चाहूंगा, हमारे साथ एक दर्शक हैं हिमाचल से, नागेंद्र हो सकता है, नागेंद्र जुड़ गए हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। नागेंद्र आप सवाल कर सकते हैं, संपर्क टूट गया है जी। डॉक्टर साहब, लास्ट स्टेज पे पता चलता है कैंसर का कि कैंसर हो गया है, जब तक पता चलता है कि डॉक्टर साहब भी बोल देते हैं कि घर पे ले जाके सेवा कीजिए, अंतिम चरण है अब तो। नहीं, हमारे देश में अवेयरनेस नहीं है कि एक जो भी बीमारी हमको लगता है, कुछ सिम्टम होता है तो हम ज्यादा जल्दी डॉक्टर से जब जांच नहीं कराते हैं तो एडवांस्ड हो जाता है। तो हम हमारे तरफ से ये कोशिश करना है कि हमको जब तकलीफ होता है तो हम डॉक्टर से जाके जांच कराना चाहिए। अगर अर्ली स्टेज में हमने डायग्नोसिस किया है तो ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है। हम अभी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, इम्यूनोथेरेपी है, ये सब पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से, डिसीज के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं और पेशेंट का इलाज करने का कोशिश कर सकते हैं। जब हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो एडवांस हो जाता है, एडवांस स्टेज में ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हिमाचल से नागेंद्र दर्शक एक बार फिर जुड़ गए हैं, नागेंद्र आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर से। हेलो जी नागेंद्र, आपको हम सुन पा रहे हैं, आप सवाल कीजिए। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। सर मेरे भाई के इसमें लीवर में सोजिश आ गई थी, फैटी हो गया था लीवर जी, वो थोड़ा ड्रिंक भी करता है साथ में बीड़ी सिगरेट भी वो लेता है जी, तो यूरिन में अब अगर ब्लड आना शुरू हो जाए, खून आना शुरू हो जाए पेशाब में, तो उसकी क्या वजह है? क्या ये मतलब सीए की वजह हो सकती है? अब इसके टेस्ट करवाना है, हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है इसके लिए? धन्यवाद। आपके भाई का उम्र कितना है? 50 के लगभग है जी। 50? जी जी। 50? जी हाँ, अगर यूरिन में ब्लड आने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, कैंसर भी एक कारण होता है, ब्लैडर का कैंसर एक कारण होता है, उसका जांच कराना चाहिए। ब्लड जब भी यूरिन में ब्लड आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हो जाता है, उसका टेस्ट उनका टेस्ट करके कहाँ से आ रहा है ये खून, उसका टेस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नेग्लेक्ट करने वाला सिम्टम नहीं होता है, यूरिन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किडनी या ब्लैडर में स्टोन्स होने की वजह से हो सकता है और कैंसर की वजह से भी हो सकता है, तो उसका जांच कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले सिस्टोस्कोपी करते हैं तो ब्लैडर में कुछ बीमारी है क्या कि देख सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैनिंग करके देख सकते हैं कि किडनी में या फिर ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, या फिर खून गट होने में कुछ प्रॉब्लम है पेशेंट को, वो भी देखना पड़ता है। तो पूरा टेस्ट करने के बाद ही हम ये कंक्लूजन भी आ सकते हैं ये कैंसर है कि या नॉन कैंसरस का बीमारी है। रायपुर से एक और दर्शक है हमारे साथ, प्रमिला जुड़ी हुई है। प्रमिला आप सवाल कर सकती हैं। सर, महिलाओं में होने वाले मुख्य कैंसर जैसे यूट्रस वाले, उससे कैसे बचा जा सकता है और उसके मुख्य लक्षण क्या हैं? हाँ, एक्चुअली गर्भाशय में कैंसर जो है दो तरह के हम बोल सकते हैं, सर्विक्स का कैंसर होता है और प्रॉपर यूट्रस का कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर जो हम कहते हैं वो होता है। तो सर्विक्स का कैंसर जो है वो HPV वायरस की इन्फेक्शन की वजह से होता है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, तो हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाना है। अभी
अवेलेबल है HPV वैक्सीन। HPV वैक्सीन अभी 9 to 21 ईयर्स के वुमेन में सबको दिला रहे हैं, तो उसकी वजह से HPV इन्फेक्शन का होने का जो रिस्क जो है वो कम हो जाता है, और सर्विस कैंसर को कम करने का कोशिश अभी चालू है हमारे देश में। सो 9 to 21 ईयर्स के लड़कियों को ना ये वैक्सीन दिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, 3 बार देना पड़ता है सब लोगों को, तो उसके वजह से HPV इन्फेक्शन का जो रिस्क जो है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से हम सर्विस कैंसर का रिस्क कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अब वक्त भी हो गया है, दर्शकों को आप जाते जाते क्या सुझाव देना चाहेंगे यहाँ से? हाँ, कैंसर के लक्षण होते हैं, और हम 7 सिम्टम्स ऐसा बोल सकते हैं जी। जब भी हमारे शरीर में एक गांठ बन जाता है तो वह कैंसर होने का संभावना हो सकता है। अगर मुंह में या कहीं पे भी शरीर में छाला हो जाता है, वो सूखता नहीं है, वो कैंसर हो सकता है। जब हमको खाने पीने में तकलीफ हो जाता है, और संडास जाने में तकलीफ हो जाता है, यूरिन जाने में तकलीफ हो जाता है, तो वो कैंसर का प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसमें। और जब भी हमने चमड़ी में थोड़ा छाला आ जाता है, या फिर मोल होते हैं या वाट होते हैं, वो उसमें बदला हो जाता है, वो कैंसर हो सकता है। जब हमको खाने में तकलीफ हो जाता है, निकलने में तकलीफ हो जाता है, जो खांसी होता है वो एक दो हफ्ते में कम नहीं होता है, तो ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होते हैं कैंसर का। तो जब भी हमको ये महसूस होता है कि ये सिम्टम्स है, कैंसर होने का संभावना होता है, तो तुरंत जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसका जांच कराना चाहिए। जब LD स्टेज में डायग्नोसिस होता है तो इलाज आसान हो जाता है, एडवांस स्टेज हुआ तो भी इसका इलाज नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हैं, इलाज कर सकते हैं, पेशेंट का सर्वाइवल को बढ़ा सकते हैं, तकलीफ को कम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तमाम सारी जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश स्वराज सेहत में इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार। पेश है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना, बदहजमी, एसिडिटी।